हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी राजवीर सिकारा जी की है, जिनका एक रात दो आत्माओं से सामना हो गया। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजवीर छिकारा है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ के बहादुरगढ़ सिटी में रहता था। ये बात सन 1999 की है। मेरी नौकरी दिल्ली में लग गई और यहाँ रहने के लिए मैं द्वारका मोड़ के पास ही एक घर ले लिया। ये घर क्या, एक छोटा कमरा सा था। बस मेरा गुजारा चल रहा था, मुझे बहादुरगढ़ से अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं घर के सारे काम अकेले ही किया करता था। सुबह पानी का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक और शाम को 11 बजे से 12 बजे तक का था। मैं सवेरे जल्दी उठ करके पानी भर लिया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, मैं सुबह देरी से उठा और पानी नहीं भर सका। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रात को ही वहाँ जा कर के पानी भर लूँ। रात को ऑफिस से आते समय मैंने सोचा कि रास्ते में पानी भरता हुआ घर चला जाता हूँ। मेरे पास एक कनस्तर था जिसमें मैं पानी भर सकता था। एक अकेले आदमी को 4-5 लीटर से पानी किससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत होगी। ये सोचकर मैं उस नाले के पास गया पानी भरने के लिए। मैं पानी ही भर रहा था कि अचानक से मैंने किसी की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह औरत कुछ अलग सी थी। उसका चेहरा उस अंधेरे में भी चमक रहा था। उसने एक सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके शरीर में गहनों की कोई कमी नहीं थी। सामने ही एक संदूक पड़ी हुई थी। पहले तो मैं थोड़ा घबराया, लेकिन जब मैंने उनके साथ उनका सामान भी देखा तो मेरा डर थोड़ा दूर हुआ। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई और नहीं था। मैं उनके पास गया और पूछा कि अम्मा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, क्या बताऊँ बेटा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो मैंने कहा, आपका घर कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो सामने जो गली दिख रही है बस वहीं रहती हूँ। मैंने सामने देखा, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। आगे कुछ अंधेरी सी सड़क जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि पास ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। बेचारी अम्मा ने इतने गहने पहने हैं, क्या पता कोई लुटेरा मिल जाए। ये सोचते हुए मैंने सोचा कि शायद मुझे उनकी मदद के लिए हाँ भर देनी चाहिए। मैं उनकी मदद करने की कोशिश ही कर रहा था कि मैंने सामने देखा, सामने के घर में एक औरत खड़ी थी जिसकी गोद में एक बच्चा था और उस बच्चे के साथ बालकनी में खड़ी थी। मेरी तरफ देखते ही उसने इशारा किया जैसे वो मना कर रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या वो मुझे इतनी दूर से देख पा रही है, क्या वो मुझे कुछ इशारे करने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ सोचा। अम्मा फिर बोलने लगी कि बेटा इतना क्या सोच रहा है, यहीं तक तो जाना है, जा मुझे छोड़ा। अब मैंने फिर उस औरत की तरफ़ देखा, वो औरत मुझे इशारे से मना करने लगी। अब मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे इन अम्मा की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं घबरा सा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहाना बना दिया कि माता जी ज़रा मैं पानी भर लूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो माता जी हामी भर कर वहीं बैठ गई। लेकिन जैसे ही मैं अपना सामान उठा करके भागने की कोशिश करने लगा, उन्होंने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मैं अपना हाथ ही नहीं छुड़ा पा रहा था। मेरे हाथ में बहुत ज़ोर का दर्द होने लगा और वो अजीब सी आवाज़ में गुर्राते हुए बोली, क्या तू इतना भी काम नहीं कर सकता, मुझे छोड़ना ही तो है। मैं घबरा गया, मेरे पीछे मुड़ने की तक हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश करी। शायद मेरे दिमाग में कहीं ये साहस था कि शायद वो औरत मेरी मदद करे। जो औरत मुझे बालकनी से देख रही थी, शायद वो किसी को बुला लाए मेरी मदद करने के लिए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी डरावनी अजीब सी लाश में बदल गई थी और वो सारे गहने लाश में लगे हुए कीड़ों की तरह कुलबुला रहे थे। वो नज़ारा इतना डरा देने वाला था कि आज भी इसके बारे में बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं डर से कांप रहा था, चीखना चाहता था लेकिन चीख भी नहीं पा रहा था। मैंने सारी शक्तियों को लगा करके भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया।
कि तभी मैंने देखा कि वो बालकनी वाली औरत वहाँ खड़ी है और उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ लिया और कहा कि चल तुझे मैं छोड़ के आती हूँ। ये सब देख करके मैं और डर गया और मैंने देखा कि उस बूढ़ी औरत का हाथ मेरे हाथों से छूट गया था। मैंने अपनी सारी ताकत लगा करके वहाँ से भागा और मैंने देखा कि वो औरत उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ करके उसको अपने साथ ले जा रही है। कुछ दूर जा करके वो दोनों गायब हो गए और बहुत ही अजीब सी रोशनी आई और कुछ हवा में तैरता हुआ सा नज़र आया। मैं लगभग बेहोश हो गया, मुझे कोई होश नहीं था। मैं चल रहा था, मेरे पैर मुझे कहीं ले जा रहे थे लेकिन मैं होश में नहीं था। सुबह के 4 बज गए थे और जब लोग वहाँ पानी भरने के लिए आए, उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझे घर पहुँचाया। और मैंने जब ये किस्सा लोगों को बताया तो उन्होंने बगल के एक पंडित को बुलाया और मेरी मदद करने के लिए कहा। लोगों ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि वो मेरी मदद करें। मैं बड़े मुश्किल से अपने बिस्तर से खड़ा हो पा रहा था। पंडित जी ने आते ही मेरे सर पर एक तिलक लगाया और मुझे कुछ पीने के लिए दिया। इसके बाद जैसे तैसे मेरा बुखार उतरा और मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर पा रहा था। मैंने सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया। उन्होंने मुझे बताया कि वो औरत इसी एरिया में रहा करती थी, बहुत पहले की बात है, और वो इसी तरह से गहने पहने अपने घर की तरफ जाने वाली थी। घर से कुछ ही दूर थी कि वहाँ कुछ लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी और सारा सामान लूट लिया और उसकी लाश उसी नाले में फेंक दी जहाँ हम लोग पानी भरने जाया करते थे। ये सब सुन के मेरी हालत और ख़राब हो गई। फिर मैंने पंडित जी से पूछा कि वो दूसरी औरत कौन थी जिसने मेरी मदद की, वो कहाँ रहती है। पंडित जी ने कहा कि यहाँ कोई दूसरी औरत नहीं है, वो तो बस एक यमदूत थी जो कि एक औरत का, एक माँ का भेस बना करके तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। तुम्हारा भाग्य ही समझो कि वो उस वक्त वहाँ थी, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। ये सब सुन के मैंने भगवान के लिए हाथ जोड़े और पंडित जी से कहा कि वो मेरी कुछ मदद करें ये सब भूलने में। पंडित जी ने मुझे कहा कि मुझे हनुमान जी के मंदिर जा कर के पूजा करनी चाहिए और मैंने मान लिया। मैं अगले दिन से हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करने लगा और धीरे धीरे करके सब चीज़ें भूल गया। आज मैं लगभग 50 साल का हो चुका हूँ और आज भी जब मैं इन चीज़ों के बारे में याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं अब द्वारका मोड़ छोड़ चुका हूँ, मेरी वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वो जगह पहले से ज़्यादा पॉपुलेटेड हो चुकी है, वहाँ कई लोग रहने लग गए हैं, लेकिन उस नाले पे जाने की हिम्मत आज भी मैं नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय।